में मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की है, मैंने प्रिपरेशन सारी सेल्फ की है। कंटेंट वगैरह है तो बोल सकते हो, अगर सच्चा प्यार है बचपन में। MEA, ED और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये तीन ही पोस्ट थी जो मेरे माइंड में थी और इनके बारे में मैंने काफ़ी एनालाइज भी किया, तो वही चीज़ें हैं जो वही फैक्टर है जो मुझे इनकम टैक्स से ईडी की तरफ ले गए। चाहे आप GST इंस्पेक्टर लगे, कस्टम्स में एग्जामिनर लिखे, हर पोस्ट अच्छी है। एक ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई फैमिली से, जैसे मैंने बताया, एक बोल सकते हो आप लोअर मिडिल क्लास, एवरेज भी नहीं, तो बहुत स्ट्रगल है इनका। गाइज, आज हम आए हैं इंदौर में और हमारे साथ हैं सूरज ओझा, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 38 के साथ एक MP में एक नया कारनामा कर दिखाया है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 38 है, बट MP के अंदर रैंक 1 लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको सुनते ही जो भी MP के वीडियो देख रहे होंगे बच्चे, जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको एक अलग ही जोश जज्बा उनके मन में आ जाना चाहिए। एक ऐसी पोस्ट जो कि प्रमोशन में बहुत अच्छी है, जो कि आपको एक ऐसी फील्ड पावर देती है जिससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो इन्होंने चूज़ करी है। तो आज इनसे इनकी डिटेल्ड जर्नी जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ हैं सूरज। हाय सूरज, कैसे हो सूरज? सर बढ़िया। सूरज, आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 23 राइट नाउ। और आपका कौन सा अटेम्प्ट था सूरज? सर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। देखिए गाइज, इनका सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट किसी किसी का हो जाता है थोड़ा, बाकी जो इनका स्कोर है, आपका स्कोर बताइए डिटेल। सर मेरा स्कोर था 607.07, प्रीलिम्स में मेरा स्कोर 184.5 था, मेंस में मेरा स्कोर 360 था और डिस्क्रिप्टिव में मुझे 62 मार्क्स मिले थे। देखिए गाइज, एक जो टॉपर्स के मार्क्स होते हैं वो मार्क्स हैं इनके, अगर आपको ऐसे मार्क्स लेके आने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें हम डिटेल में शेयर करेंगे इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है और इनका टारगेट कौन सी पोस्ट था और वो मिला या नहीं मिला। तो सूरज, हम जानना चाहेंगे पहले आपका बैकग्राउंड कि आपने पढ़ाई कहाँ से की। सर मैंने 10th MP बोर्ड से किया है और 12th में मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस था और ग्रेजुएशन में मैंने BCA किया है सर। अच्छा, और देखिए गाइस, BCA इन्होंने किया है, BCA कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है। BCA जनरली कैंडिडेट BTEC वाले होते हैं ज़्यादातर, जो SSC CGL में आजकल आ रहे हैं। तो आपने मतलब ये सारी जर्नी जो आपकी रही BCA करा आपने, उसके बाद SSC CGL में आना, ये कैसे हुआ? सर जब मेरा 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उस टाइम मैं ग्राउंड जाया करता था, तो उस टाइम ग्राउंड पे सर एक मेरे बहुत मेरे मतलब अगर आप रथ के सारथी कह लो या किसी को कह लो, तो एक भैया जिन्होंने मेरे को हमेशा साथ दिया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की SSC नाम की चीज़ होती है और उन्होंने मुझे बताया कि इस फील्ड में कैसे पढ़ना होता है, तो वहाँ से सर स्टार्ट हुआ ये सब। तो देखिए, हर किसी का कोई ना कोई सारथी होता है, तो इनका भी कोई सारथी रहा, हो सकता है आपका भी कोई सारथी हो, तो जो भी रहे आपकी मोटिवेशन या सारथी, जो भी आपको गाइड। देखिए, जो इन्होंने किया वो तो अच्छा है ही, इसके साथ जानेंगे कि इन्होंने पोस्ट क्यों चूज़ करी। सबसे इम्पोर्टेंट ये इस वीडियो का पार्ट कि पोस्ट इन्होंने AU ED क्यों चूज़ करी। सर ED में कुछ कुछ पॉइंट्स थे, जब मेरा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना था उससे पहले मैंने सारे MEA, ED और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये तीन ही पोस्ट थी जो मेरे माइंड में थी और इनके बारे में मैंने काफ़ी एनालाइज भी किया। सर अगर ED की पर्टिकुलर बात करें तो इसमें जैसा कि सुनने में आता है कि UPSC वाले जो लोग होते हैं वो डेपुटेशन पे आते हैं, प्रमोशनल एस्पेक्ट अच्छे हैं, सैलरी में SSA मिलता है 20% एक्स्ट्रा अलाउंस, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मुझे उसकी तरफ ल्यूक्रेट किए। देखिए ऐसे कुछ और हिडन फैक्टर्स भी हैं जो शायद इन्हें नहीं पता है, जैसे जो इन्होंने बोला ED के अंदर स्टाफ जो है डेपुटेशन पे आ रहा है, पर ये वाला जो स्टाफ प्रमोट होके ED में जो AD बनता है वो इक्वलेंट ही होता है उनके, बाकी अगर किसी और CGL की पोस्ट की बात करें तो उनमें क्या होता है, आपका डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा रहता है। एक प्रमोटी अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स में हो या GST में हो, वहीं एक ED के अंदर प्रमोटी AD हो यानी असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ED के लिए। तो ED को ये चीज़ बहुत अच्छी बनाती है। और भी इन्होंने जो रिसर्च करी, जैसे इन्होंने बोला ITI, MEA और ED तीन ही इनके दिमाग में थी, MEA इन्होंने शायद इसलिए नहीं की, इनकी लोकेशन MP है। हाँ, अगर सर मैं दिल्ली से होता तो डेफिनेटली मैं MEA के साथ जाता। देखिए टॉपर्स की चॉइस होती है MEA और ED और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर आजकल थोड़ा सा डाउट होने लग गया है कि लोकेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो कैंडिडेट्स से अवॉइड करते हैं, मेरे ख्याल से आपका भी यही रीजन। हाँ सर, क्योंकि MP में ओवरऑल OBC से 2 वैकेंसी थी और जनरल से 2 वैकेंसी थी, तो 4 ही वैकेंसी थी। और दूसरा बड़ा फैक्टर ये था कि नॉर्थ में वैकेंसीज नहीं थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो ये एक 50-50 रिस्क वाला मामला हो रहा था। तो आपको जो भी पोस्ट मिले, चाहे आप GST इंस्पेक्टर लगें, कस्टम्स में एग्जामिनर लिखें, हर पोस्ट अच्छी है अगर आप उसे अच्छा समझते हैं। तो अगर आपने उसके खिलाफ, उस पोस्ट के अगेंस्ट अपने माइंड में नेगेटिव एनर्जी डाल दी या नेगेटिव वाइब्स डाल दी, तो आपको ख़राब लगने लगेगी। अब मैं सूरज आपसे जानना चाहूँगा कि अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही, क्योंकि स्ट्रेटजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो
आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है उससे लेके एडवांस लेवल तक आप जब जा रहे हो तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। सर मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की है, मैंने प्रिपरेशन सारी सेल्फ की है और यूट्यूब से वीडियोस से मैंने हेल्प ली थी। स्टार्टिंग में वही था कि बेसिक पहले लेक्चर्स देखना है, वहाँ से नोट्स बनाने, उसके बाद में मॉक टेस्ट और जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं सर उतने, फिर उसके बाद में जब आप एक बार मॉक टेस्ट लगाने लगते हो ना फिर आपको वहाँ से कोई ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, फिर आप खुद सीखने लगते हो कि आपकी गलती कहाँ है और वहाँ से आप आगे बढ़ते जाते हो। देखिए सूरज ने जो बताया बिल्कुल सही है, यही स्ट्रेटजी मेरे को लगता है सारे ज़्यादातर टॉपर्स की रहती है। कोचिंग की इसमें ज़्यादा रोल रहता नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम की बात हो एक बार अगर आपने गाइडेंस या इस चीज़ को समझ लिया जो आपका चल रहा है कहीं से भी आपने देख के कि आपको पढ़ना कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर फ्री में वीडियोस मिलती हैं वहाँ से आप देख कर कर सकते हैं CGL की कुछ ऐसी पोस्ट है जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव चार्मिंग है, उनमें से एक पोस्ट सूरज ने ली। तो ऐसा मिथ है कि आपको अगर कोचिंग लोगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा, तो ये सिर्फ मिथ है, किसी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी जो है स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको मिलेगी बट आपको अपनी कस्टमाइज करके रखनी होगी, क्यों सूरज? हाँ सर डेफिनेटली। तो गाइज हम सूरज से जानेंगे कि इन्होंने गोल क्या सेट किया था अपनी लाइफ का, जैसे इन्होंने बताया एक भैया इन्हें मिले जिससे जो इनके रथ के सारथी थे, तो उसके बाद इन्होंने क्या ड्रीम देखा या कौन सा पोस्ट का, क्योंकि उन्होंने भी कोई ना कोई पोस्ट आपको बताई होगी SSC की कि ये बनते हैं इससे। सर अगर मैं उनकी बात करूं तो करंटली वो RBI में मैनेजर पोस्ट पे अभी काम कर रहे हैं, अपॉइंटेड हैं। और अगर कोई बंदा मतलब उनसे जब मेरी सेकेंड या थर्ड मीटिंग थी तभी उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी, अल्पेश चौरसिया नाम है उनका, तो सर उन्होंने मुझे बताया कि स्टेप बाय स्टेप और हर सैटरडे संडे वो मुझे हेल्प करते थे कि ऐसे कॉल आ जाता था उनका तो हम कॉल पर डिस्कस करते थे कि कैसे आगे बढ़ना है, तो वो उससे काफ़ी हेल्प मिली। तो आपने मतलब गोल ऐसा किसी पोस्ट का नहीं सोचा कि आपने किसी पोस्ट को अपने ड्रीम पोस्ट बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट आपको ये था कि SSC से जॉब लेनी है? सर उस समय तक ये था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काफ़ी चार्मिंग होती थी, लेकिन अगर आप 19 में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और 22 में आप सिलेक्ट हो रहे हो तो ओवर द टाइम काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। उसके बीच में हमने काफ़ी सारी इनकम टैक्स के बारे में सुना भी और काफ़ी ED के बारे में भी सुना, तो वही चीज़ें हैं जो वही फैक्टर है जो मुझे इनकम टैक्स से ED की तरफ ले गए। देखिए गाइस 2020 में इनकम टैक्स में फेसलेस रिफॉर्म आया, तो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने इनकम टैक्स की कट ऑफ को गिराया है, कि जहाँ से ऑफिसर्स की पावर थोड़ी कम हो गई, चाहे वो इंस्पेक्टर है चाहे ऑफिसर है, तो उस वजह से भी शायद डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं कैंडिडेट्स के। एक सर फेसलेस और दूसरा कि होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए गाइस ये मेन रीज़न रहते हैं, तो अब हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इनसे थोड़ा सा जानेंगे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या अब ये शादी करेंगे और किसी लड़की के साथ अपना घर बसाना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये वैसे काफ़ी यंग है। बट सर मैंने ये तो जीवन की सच्चाई है, जो आपके पास कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है तो बोल सकते हो अगर सच्चा प्यार है बचपन। सर मेरा फ्यूचर प्लान बेसिकली पहले से डिसाइडेड था कि पहले जॉब लेना है, उसके बाद में 1 से 2 साल अपने आप को देना है, अपनी फैमिली के साथ सेटल होना है प्रॉपर, उसके बाद में फिर इस बारे में कुछ और सोचेंगे। अब फिटनेस या कुछ और भी आपका गोल हो अगर? हाँ सर फिटनेस पे प्रॉपर सबसे पहले आप फोकस करना है, अपनी हेल्थ वगैरह पे प्रॉपर फोकस करना है, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वो जो मैं प्रिपरेशन के दौरान नहीं कर पाया अब उनमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है गाइस, तो हम थोड़ा सा जो आपको हमने दिखाया वो शायद आपको अच्छा लगे और मोटिवेट करे पढ़ने के लिए, क्योंकि सूरज एक ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई फैमिली से, जैसे मैंने बताया एक बोल सकते हो आप लोअर मिडिल क्लास एवरेज भी नहीं, तो बहुत स्ट्रगल है इनका, मतलब जो अगर आप इनसे अगर किसी दिन मिलोगे तो आप समझोगे, मतलब हम्बलनेस के साथ साथ इनके अंदर एक जो स्ट्रगल के बाद जो इनकी जो सक्सेस वाली है ED AO इतनी रैंक लाने के बाद बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है लोगों में, मैंने बहुत ये पर्सनली देखा है, तो आप इनके साथ जब भी मिलोगे ये बहुत आपको नॉर्मली मिलेंगे, क्यों सूरज? हाँ सर डेफिनेटली। तो इसी के साथ हम ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक। थैंक यू गाइज। थैंक यू।